हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं कि एनिमेशन कैसे करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये छोटे मोटे एनिमेशन हम आज सीखने वाले हैं, और इन एनिमेशन में हम सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करते हैं, और एक ब्लरिंग इफेक्ट अगर कभी देना हो हमें अपनी एप्लीकेशंस में, तो वो ब्लरिंग इफेक्ट कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को सीखते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू लेकर आया हूँ। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि इमेज व्यू को कैसे ड्रॉप किया जाता है, कैसे उसको लाया जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो पर, तो ये जो आपकी स्क्रीन के टॉप पर ये वीडियो जो इंडिकेट हो रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है, जो शो हो रहा है, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इमेज व्यू को कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में लाया जाता है वो आता है। जैसे यहाँ पर ये broom.jpg फाइल है, ये झाड़ू की जो इमेज है उसे मैं इस ड्रॉएबल सब डायरेक्टरी के अंदर ला के कॉपी कर दिया है, और इमेज व्यू को यहाँ पर मैं ड्रैग करके ले आया हूँ, और इसके जो पोजीशंस हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस व्यू के, वो सेट कर दिए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल की तरफ, और वहाँ पर अपने इस इमेज व्यू के लिए एक हैंडलर बनाएंगे, ताकि इस कोड के अंदर हम इस इमेज व्यू को कंट्रोल कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इमेज व्यू क्लास लेनी पड़ेगी। इमेज व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू। मुझे लगता है इतना आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो पे बने हुए पिछले दो वीडियोस देख लीजिए। अब इमेज व्यू का हमारे पास कंट्रोल आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, इमेज व्यू के साथ एक फंक्शन यूज करना है एनिमेट। तो अगर आपको एनिमेशन करनी है तो आपको इस एनिमेट फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा इमेज व्यू के साथ। तो मैंने यहाँ पर किया इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट, मैं यहाँ लिखता हूँ सेट ड्यूरेशन फंक्शन। ये सेट ड्यूरेशन फंक्शन बताता है कि कितनी देर आपको आपकी एनिमेशन रन करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 2000, तो इसका मतलब होता है मुझे अपनी एनिमेशन 2000 मिलीसेकंड्स के लिए रन करनी है। 2000 मिलीसेकंड्स में 2 सेकंड्स होते हैं, 1000 मिलीसेकंड में 1 सेकंड होता है। तो मुझे इस एनिमेशन को, क्योंकि 2 सेकंड चलाना है, तो मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करूँगा 2000। और इसके बाद आप ये मेथड देख रहे होंगे ट्रांसलेशन वाले, ट्रांसलेशन एक्स, ट्रांसलेशन एक्स बाय, रोटेशन एक्स, ट्रांसलेशन वाई, ट्रांसलेशन जेड। तो हम इन मेथड्स को यूज़ करके देखते हैं। हम आज बात करेंगे ट्रांसलेशन एक्स की और ट्रांसलेशन वाई की। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन एक्स किया, यानी मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन करना है। कितना ट्रांसलेशन करना है ये मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 150 पिक्सल्स के अराउंड एक्स एक्सेस मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ ट्रांसलेशन एक्स, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 150। तो आइए देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपकी जो ब्रूम है, ये पिक्चर है, ये राइट साइड में थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन भी यूज़ करके देख लेते हैं, ट्रांसलेशन वाई। वाई का क्या मतलब होता है, तो फिर से मैं अपनी इस एप्लीकेशन को एक बार और लॉन्च करता हूँ, और अब आप देखोगे ये y एक्सिस के अराउंड डाउनवर्ड्स ये इमेज डिस्प्लेस हो रही है। अब मान लीजिए मैं अगर चाहता हूँ ये इमेज डाउनवर्ड ना जाके अपवर्ड डिस्प्लेस हो, तो मुझे बस इतना करना है, यहाँ पर ये जो 150 पास किया है इसकी जगह मुझे -150 पास करना होगा, और देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अब आप देखो ये 150 पिक्सल्स अपवर्ड डिस्प्लेस हो रही है। इसी तरह से अगर मुझे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में -150 लेता हूँ, तो आप देखोगे कि इट विल मूव टूवर्ड्स योर लेफ्ट, ये आपके लेफ्ट पर मूव करेगी। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए 150 पिक्सल्स टूवर्ड्स योर लेफ्ट मूव कर रही है। तो ये तो थी हमारी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब अगर मुझे ट्रांसलेशन के बजाय मान लीजिए मुझे रोटेशन करना है, तो देख लेते हैं क्या फ़र्क आता है। ये रहा रोटेशन, तो यहाँ आप देखेंगे रोटेशन एक्स भी एक मैथड होता है, रोटेशन भी एक मैथड होता है, और रोटेशन वाई भी एक मैथड होता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, रोटेशन एक्स का क्या मतलब होता है। तो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ रोटेशन एक्स, और यहाँ पर मैं जो आर्ग्यूमेंट पास करूँगा वो आएगा नंबर ऑफ डिग्रीज जिससे मुझे रोटेट करना है। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 360 पास करता हूँ, तो ये पूरा एक सर्कल घूम जाना चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस, इस पूरी इमेज को, राइट। तो देखते हैं यहाँ से आपको किस तरह का इमेज दिखता है, इफेक्ट दिखता है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इफेक्ट दिख रहा है। अगर मुझे इसे वाई एक्सिस के अराउंड इस इमेज को मूव करना है बाय 360 डिग्री, तो मैं रोटेशन वाई फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ये देखिए वाई एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। और अगर मैं कोई भी एक्स या वाई यूज़ नहीं करता, सिर्फ रोटेशन मूव करता हूँ, तो
दिस विल बी द रोटेशन। ओके, तो ये था 360 डिग्री से रोटेशन करना है। मान लीजिए मुझे सिर्फ आधा रोटेशन करना है, 360 से नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल पास 180 रोटेशन। तो आप देखोगे ये 180 डिग्री से मूव कर जाएगी ये इमेज आपकी। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये करा 180 डिग्री से मूव। तो ये तो था हमारा रोटेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से एनिमेट फंक्शन का यूज़ करके, एनिमेशन का यूज़ करके आप ये अलग अलग इफेक्ट्स अपने इमेज व्यू को दे सकते हैं। इस तरह के इफेक्ट कई बार अपनी एप्लीकेशन में देना एप्लीकेशन को बहुत इंप्रेसिव बना देता है। तो आइए एक दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। अगर मुझे ब्लरिंग इफेक्ट देना हो तो मुझे कैसे देना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैं बस इस रोटेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेट ड्यूरेशन के बाद एक फंक्शन कॉल करूँगा अल्फा। ये अल्फा फंक्शन क्या करता है, ये आपकी इमेज की विजिबिलिटी बताता है। तो आप इसकी वैल्यू या तो 1 दे देते हैं या फिर 0 दे देते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू 0 दे देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी उसकी विजिबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 दे देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज की विजिबिलिटी 1 हो जाएगी। तो पहले मैं ज़रा इसको 1 पर चेक करता हूँ। तो आप देखोगे कि जो एनिमेशन है ये रन कर रहा है 2 सेकंड के लिए और ये आपकी इमेज की विजिबिलिटी को 1 कर देता है, यानी पूरी तरह से विजिबल कर देता है। अब मैं इसे 0 करके देखता हूँ तो मुझे पता पड़ेगा कि एक्चुअल इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पर अब मैं अल्फा 0 कर रहा हूँ, तो देखिए इसकी विजिबिलिटी 1 से 0 हो रही है, यानी ये मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। बट ये जो इफेक्ट है ये 2 सेकंड लेगा कंप्लीट होने में, राइट? तो आप यहाँ से देखेंगे ये मेरी ब्रूम थी, झाड़ू थी, और वो 2 सेकंड के अंदर गायब हो रही है। तो ये वाला जो ब्लरिंग इफेक्ट है ये भी बड़ा इंप्रेसिव इफेक्ट होता है जो आपकी एप्लीकेशंस को देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं, एक प्रोग्राम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कोई 2 इमेज व्यूज लेंगे और देखेंगे कि एक इमेज व्यू पर जब क्लिक करते हैं तो दूसरा इमेज व्यू अपीयर होता है 2 सेकंड के बाद, यानी एक ब्लरिंग इफेक्ट देंगे। और दूसरे इमेज व्यू पर जब क्लिक करते हैं तो पहला इमेज व्यू वापस आ जाता है, वो भी 2 सेकंड के बाद। तो इसके लिए एक ब्रूम तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये मैंने इसके अंदर आप देखेंगे कि अब आपको एक दूसरी JPG इमेज मिलने लगेगी एग की। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रूम है मेरे पास, एक इमेज है, एक इमेज व्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक दूसरा इमेज व्यू और लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे मेरे इसी स्क्रीन पर, इसी एक्टिविटी पर 2 इमेज व्यू हैं। मैं इस इमेज व्यू को भी सेट कर देता हूँ, इस इमेज व्यू को सेंटर कर देता हूँ हॉरिजेंटली इन पेरेंट, और इसे सेंटर कर देता हूँ वर्टिकली इन पेरेंट, और इसकी थोड़ा सा मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ ताकि ये एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे। अब आप देखोगे जो ऊपर हमें दिख रहा है इमेज व्यू वो है हमारा एग, और यहाँ जाकर एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ मैं अपना, पब्लिक वाइड चेंज व्यू व्यू। आप जानते हैं कि कैसे फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, और मैं इसकी क्लास भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि व्यू की क्लास होगी। अब इस व्यू क्लास के अंदर मैं यहाँ पर आपके इमेज व्यूज क्रिएट करता हूँ। एक तो मेरा नॉर्मल इमेज व्यू है, और दूसरा वाला यानी फर्स्ट इमेज व्यू है, और दूसरा वाला मेरा एग के लिए जो इमेज व्यू हो जाएगा वो हो जाएगा इमेज व्यू 2, राइट? अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एग ऊपर दिखेगा, एग व्यू जो है, एग जो दिखा रहा है इमेज व्यू, ये ऊपर रहेगा, तो मैं इसलिए एक बूलियन वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ इज एग, और उसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ ट्रू। एक्चुअली इस बूलियन वेरिएबल को बेटर रहेगा कि इस फंक्शन के ही बाहर बना दो। अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ कि इज एग, यानी कि आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आपको एग दिख रहा है, तो अगर मुझे अपनी स्क्रीन पर एग दिख रहा है तो मुझे इस ऑन क्लिकिंग, जब कोई इस इमेज को क्लिक करेगा तो वो एग आपका डिसअपियर हो जाना चाहिए, और उसके बदले में आपको जो दूसरा वाला आपका इमेज व्यू है वो अपीयर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इफ इज एग देन इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट अल्फा, इसको मुझे 1 कर देना है। इमेज व्यू मेरा कौन सा इमेज व्यू है, जिसमें आपको ब्रूम दिख रही है, तो इमेज व्यू डॉट एनिमेट डॉट अल्फा 1, एंड दिस हैज टू बी डन, इसे मुझे करना है 2 सेकंड्स के अंदर। तो सेट ड्यूरेशन मैं यहाँ पास कर दूंगा 2000। इसके साथ ही मैं लिखूंगा कि इमेज व्यू 2 जो मेरा है वो आपका
उसकी विजिबिलिटी जीरो हो जानी चाहिए, यानी आपको एग दिखना बंद हो जाना चाहिए, और दिस शुड ऑल्सो हैपन इन द सेम टाइम। तो देखिए उसी वक्त में आपका जो ब्रूम है वो अपीयर हो जाएगी, उसका अल्फा वन हो जाएगा, और आपका जो इमेज व्यू टू है एग है उसका अल्फा जीरो हो जाएगा। और जब आप ये काम कर दें इसके बाद अपने इज एग वेरिएबल को जो शुरू में ट्रू था उसे फॉल्स कर दें, क्योंकि अब आपकी स्क्रीन पर एग नहीं दिख रहा होगा, अब आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी ब्रूम। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, इसी कोड को कॉपी कर देना है जो आपने ऊपर लिखा है, और इसे कॉपी करते में बस यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू कर देना है इस बार जीरो, और एनिमेट टू की वैल्यू कर देना है वन, और इस एग को फिर से क्या कर देना है आपको ट्रू। तो मेरा एग ठीक ठाक आ रहा है, तो मुझे अगर इस एग पर क्लिक करना है तो मेरी स्क्रीन पर ब्रूम आनी चाहिए, और जब मैं ब्रूम पर क्लिक करूंगा तो मेरी स्क्रीन पर एग आना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है, अभी एक चीज है जो हमने छोड़ दी है, वो ये छोड़ दी है कि ये जो चेंज फंक्शन बनाया है, इस चेंज फंक्शन को मैंने अपने इमेज व्यूज के साथ अटैच नहीं किया है। तो इनको आपके इमेज व्यू के साथ अटैच करने के लिए जो नेसेसरी पार्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप इस इमेज व्यू को ले लें, किसी एक इमेज व्यू को ले लें, उसकी जो क्लिकेबल प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर दें, राइट। दूसरा इमेज व्यू भी ले लें और उसकी क्लिकेबल भी ट्रू कर दें। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपके इमेज व्यूज हैं इनके जो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है उसको चेंज मेथड दोनों के साथ ही अटैच कर देंगे, चेंज मेथड दोनों के साथ अटैच कर दिया। तो ये एग पर क्लिक किया तो देखिए किस तरह से 2 सेकंड्स के अंदर ये एनिमेशन में आपकी ब्रूम आ गई, और ब्रूम पर क्लिक किया तो 2 सेकंड के अंदर एग आ गया। तो ये जो इफेक्ट होता है, ये जो ब्लरिंग इफेक्ट होता है, ये कई बार हमें अपनी एप्लीकेशंस में देना होता है जब हम बनाते हैं प्रोफेशनल एप्लीकेशंस, तो ये बड़ा इम्प्रेसिव लगता है और आपकी एप्लीकेशन को और अपील देता है। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। और हाँ, आज के लिए एक क्वेश्चन है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर आंसर करें। आप जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तब आप देखोगे कि ट्रांसलेशन एक्स आपको आपकी जो सजेशंस हैं उसमें एक फंक्शन मिलेगा, जब आप इस एनिमेट मेथड को यूज़ करोगे और डॉट लगा के आप देखोगे कि कई सारे ट्रांसलेशन फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। जैसे ट्रांसलेशन एक्स हमने यूज़ करके देखा था, ट्रांसलेशन वाई हमने यूज़ करके देखा था, इवन रोटेशन भी यूज़ करके देखा था, रोटेशन एक्स भी देखा था। तो आप देखोगे ट्रांसलेशन एक्स के साथ एक और फंक्शन मिलेगा आपको, ट्रांसलेशन एक्स वाई। ट्रांसलेशन वाई देखोगे तो ट्रांसलेशन वाई के साथ एक और फंक्शन नीचे लिखा मिलेगा सजेशंस में आपको, ट्रांसलेशन वाई बाय। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने अपने कमेंट बॉक्सेज में ये लिख के बताएं मुझे कि आखिर ट्रांसलेशन एक्स और ट्रांसलेशन एक्स बाय में क्या डिफरेंस होता है, या फिर ट्रांसलेशन वाई और ट्रांसलेशन वाई बाय फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपका आज का टास्क है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे पूरा करें। थैंक यू।